अंटार्कटिका HVAC चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जावेद अहमद। आज मैं आपसे एयर कूल्ड पैकेज एयर कंडीशनर के मॉडल के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। ये मॉडल नंबर है DPA661R1/R2। R1/R2 सीरीज़ होता है। अगर R1 रहेगा तो R22 रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होगा, R2 सीरीज़ रहा तो R407 रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होगा। इसका नॉमिनल कूलिंग कैपेसिटी आगे 5.5 TR है। ब्रिटिश सिस्टम में 66,000 BTU पर हावर है। मैट्रिक सिस्टम में 16,632 किलो कैलोरीज पर आवर है। रेफ्रिजरेंट आके R1 सीरीज़ रहा तो R22 रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होगा, R2 सीरीज़ रहा तो R407 सीरीज रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होगा। इस मॉडल नंबर का मशीन का एक्सटर्नल फिनिश आके प्योर पॉलिस्टर पाउडर कोटेड GA स्टील होजिंग से बना होगा। इसका होजिंग पूरा GA स्टील से रहेगा। इंडोर यूनिट की बात करते हैं तो इंडोर यूनिट का नॉमिनल डायमेंशंस होगा 900 × 660 × 1700 mm। और इसका ब्लोअर का टाइप आके सेंट्रिफ्यूगल फॉरवर्ड कर्व डबल इनलेट डबल विड्थ होगा। इस ब्लोअर का एयर फ्लो का क्वांटिटी आके मीटर क्यूब पर आवर में बात करें तो 3740 मीटर क्यूब पर आवर होगा। CFM में 2200 CFM जितना होगा। इस इंडोर यूनिट की पावर सप्लाई आके 420 वोल्ट्स 3 फेज 50 Hz जितना होगा। कंप्रेसर का टाइप आके हायरमेटिक सील्ड स्क्रॉल टाइप होगा। इस मशीन में नंबर ऑफ कंप्रेसर आके 8 कंप्रेसर लगेगा। और इसका कैपेसिटी आके 0 to 100% होगा। एयर फिल्टर आके HDPE मेश टाइप एयर फिल्टर होगा इस इंडोर यूनिट में। कंट्रोलर आके सभी कंट्रोलर आके इस मॉडल नंबर मॉडल में माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड विथ LCD डिस्प्ले होगा। चलिए बात करते हैं आउटडोर यूनिट्स की। नंबर ऑफ आउटडोर यूनिट्स आके एक रहेगा। उसका नॉमिनल डायमेंशंस आके 1020 × 420 × 950 mm जितना होगा। पावर सप्लाई आके 230 वोल्ट सिंगल फेज 50 Hz होगा। इस मॉडल का आउटडोर का कंडेंसर टाइप आके एयर कूल्ड फिन ट्यूब टाइप होगा। कंडेंसर का फैन टाइप आके प्रोपेलर टाइप होगा। इस मॉडल का इंडोर यूनिट का वेट आके अप्रॉक्सीमेटली 195 kg होगा। और आउटडोर यूनिट आके एक आउटडोर यूनिट आके 50 kg पर आउटडोर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी मिल रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।